हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। तो चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीज़, और इसमें भी पूरे 7.3 एक वीडियो में कवर नहीं होने वाले हैं, तो पार्ट वन में हम देखते हैं क्या देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हमें क्या सीखना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक एग्जाम्पल है कि द रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 20 इन मैथमेटिक्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज़ एज फॉलोज। इसका मतलब है कि एक यूनिट टेस्ट हुआ है और मैथमेटिक्स का पेपर जो था उस 20 मार्क्स का, उसमें स्टूडेंट्स को ये जो मार्क्स मिले हैं वो ये हैं, मतलब किस तरह उनको मार्क्स मिले हैं। तो किसी को 20 मिला है, किसी को 6 मिला है, किसी को 14 मिला है आउट ऑफ 20, 10, 13, इसी तरीके से ये बच्चों के मार्क्स हैं जो उनको यूनिट टेस्ट में मिले हैं मैथ्स के, सिर्फ ओनली मैथ्स के। फिर देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि वॉट इज़ द अबोव इन्फॉर्मेशन कॉल्ड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो इसको बोलते क्या हैं। तो हमने 7.2 में देखा था कि इसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, क्योंकि ये खुद से इसको कैलकुलेट किया गया है, कहीं से ये लिया नहीं गया है। और आपको पता है प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, क्योंकि 7.2 में हमने देखा है इसको अच्छे से। दूसरी चीज़ जो आपको सीखना है यहाँ पे वो ये है कि व्हाट इज़ ईच ऑफ द नंबर इन द डेटा कॉल्ड। तो ये जो डेटा है इसके अंदर जो एक एक नंबर हैं, ये सारे जो एक एक नंबर हैं इनको क्या बोला जाता है, तो इनको स्कोर बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए उसके बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको देख के ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये इसके क्वेश्चंस के आंसर बताइए। तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स। तो हमें ये बताना है कि ये सारे जो बच्चे हैं इसमें से 15 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे। तो अगर आप देखते हो फर्स्ट लाइन तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स मिला है, फिर अगर आप सेकेंड लाइन में देते हो तो सेकेंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, और उसी तरह अगर आप चलते हो थर्ड लाइन में तो फोर्थ हो गया और एक फिफ्थ हो गया, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 15 मार्क्स मिला है। तो इसके जो आंसर है वो हमको मिले तो है यहाँ पे हमने देखा, हमको थोड़ा सा ट्रबल हुआ लेकिन मिल गया उसका आंसर। सेकेंड है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 15 मार्क्स। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 15 से ज़्यादा मार्क्स मिला। अब 15 से ज़्यादा मार्क्स का मतलब क्या है, जिसको 16 मिला है, 17 मिला है, 18, 19, 20, वो सब बच्चों को आपको देखना है और काउंट करना है कितना है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ा सा काउंटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम हमको स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट उसका आंसर नहीं है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि टाइम जा रहा है। तो इसका आंसर ऑलरेडी हमको बाद में मिलने वाला है, पहले हम देखते हैं हमको डिफ़िकल्टी क्या फेस हो रहा है यहाँ पे। ये एक डिफ़िकल्टी हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा टाइम चला जाएगा। सेकेंड है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स से कम कितने लोगों को मिला है। तो वो भी वही चीज़ है, 15 मार्क्स से कम मतलब 14 जिसको आया रहेगा वो आपको देखना है, 13, 12 ऐसा करते करते 0 हो गया, या 1 मार्क्स जिसको आया, 2, 3, 4 मार्क्स, जो भी 15 से कम जितने मार्क्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मार्क्स मिले, ये भी हमको यहाँ पे काउंट ही करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको अगेन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप। तो स्कोर मतलब आपको बताया यहाँ पे कि स्कोर का मीनिंग क्या होता है, स्कोर का मतलब ये नंबर्स। तो लोवेस्ट स्कोर क्या है, सबसे कम मार्क्स कितना है, तो अगर आप देखो तो ये 6 है यहाँ पे दिख रहा है, 6 से कम यहाँ पे कुछ नहीं है, और हाईएस्ट मार्क्स जो यहाँ पे है 20 है, 20 से ज़्यादा किसी का मार्क्स हो भी नहीं सकता बिकॉज 20 मार्क का पेपर ही था। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट तो हमने यहाँ पे बता दिया। तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आंसर्स तो मिल रहे हैं हमको सबके सब, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े से टाइम जा रहे हैं, तो कोई इसका सॉल्यूशन है या नहीं है वो हमको देखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं, जैसे देखिए अगर हम जो डेटा है, जो हमारा ये जो डेटा था, ये जो रॉ डेटा था, प्राइमरी डेटा था, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर सोचिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, छोटे नंबर से लेकर अगर हम बड़े नंबर तक सबको अरेंज कर दें, ये सारे नंबर को हम इस तरह लिखते हैं कि ये छोटे से बड़े में अरेंज हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब अगर इसी क्वेश्चंस के जवाब देना हो तो बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स हमने यहाँ पे अरेंज किया सबको, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको आंसर जल्दी मिल गया कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 15 मार्क्स मिले। फिर दूसरा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स से ज़्यादा किसको मिला है। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 15 से ज़्यादा मार्क्स मिला है। फिर देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 15 मार्क्स, 15 से कम किसको मिला है। तो 14 से लेकर ये पूरा अगर आप काउंट करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 15 मार्क्स से कम मिलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, सबसे कम स्कोर 6 है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा स्कोर 20 है। तो देखिए अब फ़र्क क्या देखिए आपने कि इसमें जो डेटा था
रॉ डेटा, मतलब रॉ डेटा था, इधर उधर अरेंज था, कोई भी लाइन से अरेंज नहीं था, लेकिन जैसे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो फास्ट मिलने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि आप एक रॉ डेटा को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वो खुद एक टाइम लेगा आपका, तो वो टाइम से बेटर है, जैसा अगर मैं आपको बोलूँ कि ये है रॉ डेटा और ये है अरेंज किया हुआ डेटा, तो रॉ डेटा को जब आप अरेंज करोगे, जब आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट 6 है, फिर 6 कितनी बार है, फिर 7 उसके बाद आना चाहिए, तो 7 कहाँ पे, यहाँ पे, फिर 7 कितनी बार है, ऐसा करते करते जब आप पूरे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये खुद भी आपका एक टाइम ले ही लेगा। हाँ, इतना ईजी है कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा रहेगा तो आपको आंसर्स फटाफट मिल जाएंगे, लेकिन एक रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो क्या इसका भी कोई सोल्यूशन है? तो हाँ स्टूडेंट्स, इसका ही एक सोल्यूशन है जो हम स्टैटिस्टिक्स में देखने वाले हैं, और वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल से चाहे डेटा आपका रॉ हो, इधर उधर अरेंज हो, चाहे डेटा आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जैसा यहाँ पे है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर भी आप पता लगा सकते हो कि किस तरह हम, मतलब आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो इस टेबल को ड्रॉ करके, और फिर आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर किस तरह मिलेंगे अगर हमने डेटा को अरेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेटा को अरेंज नहीं करना है, डेटा चाहे हमको यही लेना, चलिए हम रॉ डेटा से ही काम करेंगे, हम ये असेंडिंग ऑर्डर जो में जो अरेंज किए हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक बार असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो डबल टाइम चला जाएगा। रॉ डेटा हमारे पास रहेगा, हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। तो चलिए किस तरह ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको यहाँ पे ये जो स्कोर है वो यहाँ पे आपको एक कॉलम में लिखना पड़ेगा स्कोर। सेकेंड में हमको लिखना पड़ेगा टैली मार्क्स, और ये टैली मार्क्स क्या होता है ये मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। और थर्ड आपको लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, जो टोटल होगा टैली मार्क्स का। और यहाँ पे स्कोर में क्या करना है कि जो सबसे छोटा स्कोर रहेगा वो आपको देखना है, जैसे यहाँ पे 6 दिख रहा है वो लिखना है, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट दिखना है, सबसे बड़ा दिखना है जो 20 दिख रहा है आपको। तो 6 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर आप इस तरह लिख दोगे, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सारे स्कोर जब आ जाएंगे तो हमको देखना है कि कौन सा स्कोर कितनी बार आया है और वो कैसा करेंगे। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे 20 लिखा है, हम क्या करेंगे 20 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 20 के आगे एक टैली मार्क कर देंगे। उसके बाद हम 6 को कैंसिल करेंगे, फिर 6 के आगे एक टैली मार्क कर देंगे, फिर 14 को कैंसिल करेंगे, 14 के आगे एक टैली मार्क कर देंगे, 10 को कैंसिल करेंगे, 10 के आगे एक टैली मार्क करेंगे। इसी तरह हमको क्या करना, फटाफट कैंसिल करना। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 13, फिर 15, 12, 14, 5th टाइम। और जब 5th टाइम आएगा तो आपको 5th लाइन नहीं ड्रॉ करना है, बल्कि 5th लाइन को आपको इस तरह क्रॉस करना है। तो ये 5 का एक पेयर बन जाएगा, तो ये 5th लाइन है, 1, 2, 3, 4 और 5th इस तरीके से आएगा। उसी तरह आपको जहाँ पे भी 5th लाइन आएगा आपको इसी तरह करना है। जैसे आप यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 5th टाइम आ रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। 20 कैंसिल किया, 20 तो 3rd टाइम है। 17 कैंसिल किया, 17 ऑलरेडी 5th टाइम हो गया, तो 6th यहाँ पे आएगा। फिर 13 सेकेंड टाइम आ रहा है, 15 फोर्थ टाइम है, 18 देखिए 18 भी 4th टाइम हो चुका था, तो 5th टाइम इस तरीके से आएगा। 20 फोर्थ टाइम है, 12 यहाँ पे आ रहा है, और फिर एक 12 फिर से आ गया 5th टाइम, फिर 15 हो गया, 15 यहाँ पे आ रहा है 5th टाइम, फिर 10 यहाँ पे आ रहा है 5th टाइम। देखिए, आई एक बार आपका टैली मार्क्स हो जाता है पूरा, तो आपको करना क्या है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना है, ये 2 टाइम है 2 लिखना है, यहाँ पे 1 टाइम है 1 लिखना है, ये 5 टाइम आया है, फिर 3 टाइम आया है, ये 5 टाइम आया है, ये 2 टाइम आया है, ये 5th टाइम आया है, 5 टाइम मेरा मतलब ये 5 टाइम आया है, ये 4 टाइम आया है, ये 6 टाइम आया है, ये 5 टाइम आया है, और ये 1 है, और ये 4 है। फिर ये जो n है, n का मतलब ये सबका टोटल, तो अगर आप टोटल करोगे तो देखो कितना हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 10,
फिर 15, 18, 19, 20, 30, 40, 45 और 50। तो देखिए 50 आ रहे हैं यहाँ पे टोटल। अब अगर आप क्वेश्चन के देखिए, एक बार ही टेलीमार्क बन जाता है, हमने किया क्या, एक रॉ डेटा था जो अरेंज नहीं था, उसको हमने टेलीमार्क में यहाँ पे लिखा, और क्या इसके बाद बगैर अरेंज किए भी हम जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स दे सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, 5। देखिए एक सेकेंड में आ गया उसका आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स से ज़्यादा, मतलब यहाँ से तो 4 + 6 = 10, 10 + 5 = 15, फिर 5, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 15 से ज़्यादा आया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 15 मार्क्स, 15 से कम कितने लोग को आया, तो 15 से कम ये पूरे हैं, आपको ये सबसे प्लस करना है, बस आपको तुरंत मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स 15 से कम। देखिए 5 + 5 = 10, 12, फिर 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 15 से कम मार्क्स मिले। वॉट इज़ द लोएस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप, ये आपको पता है 6। फिर वॉट इज़ द हाइस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप, वो आपको पता हो गया 20। तो देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से कितना ईजी हो गया, एक रॉ डेटा था जो अरेंज नहीं था, फिर भी हमने जब उसका टेबल बनाया तो हमको सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट मिलने लगे। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक फ़ायदा होता है। तो चलिए अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं पहले वो क्वेश्चन करेंगे हम, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बेस पे, फिर बाद में हम बाकी का जो दूसरा ये है मेथड है, मतलब और भी जो मेथड है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा और 6 रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है कि कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको ये टेबल कम्प्लीट करना है, और वो सिंपल भी है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्रुप है, ये हम बाद में वैसे देखने वाले इसके बाद कि ये इस तरीके से जो लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है। ये ग्रुप है मतलब 12 और 13, जो 12 है वो भी इसके अंदर रहेगा, जो 13 है वो भी इसके अंदर रहेगा। फिर ये सब क्या है ये सब आपको थोड़ी देर में समझेगा, फिलहाल ये सिर्फ टेबल को हम ये टैली मार्क्स के बेस पे कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे टैली मार्क 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना क्या होना चाहिए, तो हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे जितने टैली मार्क्स होते हैं वही चीज़ हमने यहाँ पे नंबर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे वही करना है, यहाँ पे 5 टैली मार्क्स है तो यहाँ पे आपको लिखना है 5, फिर यहाँ पे 5, 10 और 4, 14 है तो यहाँ पे आपको लिखना है 14, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिखना है आपको 4। लेकिन जो n है, n का मतलब सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं सिग्मा, जिसका मतलब सबमिशन होता है, और सबमिशन का मतलब सबको प्लस करके जो आता है वो लिखते हैं, तो वो यहाँ पे 35 है, मतलब यहाँ पे सबको प्लस करके 35 आ रहा है, जबकि हमारे पास 3 डेटा है और ये वाला मिसिंग है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देखिए 14 है यहाँ पे, फिर 4 है और यहाँ पे 5 है, तो अगर सबको प्लस करते हैं तो 5 + 4 = 9, 9 + 4 = 13 आएगा, 3, 1 + 1 = 1, 2 = 23 हो जा रहा है, जबकि टोटल 35 दिया है, तो 35 में से अगर 23 माइनस करते हैं तो 5 - 3 = 2 हो रहा है, 3 - 2 = 1, 12, मतलब यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 12 लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, लेकिन जब यहाँ पे 12 लिखेंगे तो हमको 12 टैली मार्क भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 हो गया और 2 और कर देंगे 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 होता है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या लिखा देखिए कि, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इन ए ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ सर्टेन स्कूल देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑफ हरित सेना। तो एक हरित सेना है, वहाँ पे 45 स्टूडेंट्स है, और एक ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट है। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई ईच स्टूडेंट इज गिवन बिलो। तो कितने स्टूडेंट ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड दिया है, जैसे ये है, तो किसी ने 3 प्लांट लगाया है, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 6, इस तरीके के डेटा दिए हुए हैं, किसने कितने प्लांट्स लगाए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। हमसे बोला क्या है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा, इसी टेबल का हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जो हमने ऑलरेडी शुरुआत में देखा था। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्लास या नंबर ऑफ सैपलिंग्स बोलेंगे जो यहाँ पे है प्लांट्स, और फिर यहाँ पे लिखते हैं टैली मार्क्स, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉलर स्कोर है अगर वो आप देखते हो तो वो 3 है, और जो सबसे हाईएस्ट है वो अगर आपको देख रहे हो तो 7 है, तो हमको करना क्या है कि 3, फिर 4, 5, 6, 7 ये सब लिख देना है यहाँ पे। फिर अभी टैली मार्क करेंगे, तो टैली मार्क किस तरह करेंगे, मतलब एक 3 कैंसिल करेंगे तो 3 के आगे एक टैली मार्क आ गया, तो इस तरह करेंगे 3 कैंसिल किया, 3 के आगे आ गया,
फिर फाइव किया, फाइव के आगे आ गया, इस तरीके से सेवन, सेवन के बाद फिर फोर, सिक्स कैंसिल करते हैं, सिक्स के बाद आता है, इसी तरह फास्ट में अगर आप देखो तो फटाफट हो जाएगा फोर, फिर थ्री, फिर इसी तरीके से अगर आप देखते हो तो जल्दी जल्दी सब हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको बताना ये है कि जब हम फिफ्थ वाला करेंगे, जैसे ये वाला, जब हम फिफ्थ को कैंसिल करेंगे ये फिफ्थ को, तो यहाँ पे फिफ्थ फोर टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो अब क्या आएगा वो इस तरीके से आएगा कि हमने देखा था कि कोई भी चीज़ अगर फोर टाइम होता तो फिफ्थ वाला फिफ्थ नहीं आएगा टैलीमार्क, फिफ्थ इस तरीके से आएगा, और वो इसी डायरेक्शन में करना है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में करना भी नहीं, ये आप कोई भी डायरेक्शन में करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में रहेगा या ये आपके बुक के टेक्स्ट बुक में रहेगा, मतलब आप ये कैंसिलेशन कैसा भी करिए पर यहाँ का जो टैलीमार्क का डायरेक्शन है वो इसी तरफ रहेगा। उसके देखिए थ्री थ्री फिर से फाइव टाइम हो रहा है, तो इस तरीके से हमको पूरा का पूरा कैंसिल कर देना है, मतलब मेरा मतलब टैलीमार्क्स ड्रॉ कर देना है। तो अगर आप टैलीमार्क्स कंप्लीट करते हो, पूरा का पूरा टेलीमार्क्स अगर आपका हो जा रहा है, चलिए लास्ट में फोर है, फोर यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद सेवन है और सेवन यहाँ पे आ गया, तो जब पूरा टेलीमार्क्स आपका हो जाता है तो आपको काउंट करना है, जैसे ये फाइव और फाइव टेन हो रहा था, यहाँ पे आपको टेन लिखना है, यहाँ पे फाइव और फाइव टेन और वन इलेवन हो रहा है, यहाँ पे इलेवन हो रहा है, फिर से यहाँ पे सेवन हो रहा है और यहाँ पे सिक्स हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल आपको पता है कि टोटल को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, और उसका एक और मीनिंग है जिसको बोलते हैं सबमिशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का प्लस, और जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 45, और आपको 45 मिलना भी चाहिए क्योंकि ये टोटल 45 लोगों का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है। इसके बाद अगर आप इसके बाद का क्वेश्चन देखते हो तो वो है सिक्स क्वेश्चन, और उसमें क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। इसका मतलब है कि ये पाई का वैल्यू है जो 3.14 हम बेसिकली देखते हैं हमेशा, लेकिन वो इरेशनल है, उसके आगे बहुत सारे नंबर है, तो उन्होंने सिर्फ 50 तक का दिया है, आगे इसके बाद भी है, तो हमको पाई का जो वैल्यू होता है उसके डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स आते हैं वो टोटल 50 दिए हैं, जबकि ये ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हमसे क्या बोला कि फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये अनग्रुप क्या होता है, जहाँ पे हम ग्रुप नहीं करते हैं, जैसे ये सब देखिए कोई ग्रुप नहीं, और ग्रुप क्या होता है ये आपको थोड़ी देर के बाद जब आगे आप देखोगे वीडियोज़, दूसरी वीडियोज़, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये पॉइंट स्टूडेंट्स थोड़ा सा कट हो रहे हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसका टेबल आपको ड्रॉ करना है, ना कि ये थ्री का आपको लेना है, क्योंकि डेसिमल के पहले हैं, तो डेसिमल के बाद टोटल 50 डिजिट्स है, और 50 डिजिट्स के आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो उसके लिए सेम रहेगा, क्लास रहेगा जिसके अंदर डिजिट्स लिखना है, फिर टेलीमार्क्स रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्लास में अगर आप देखते हो तो सबसे छोटा नंबर जो है वो ज़ीरो है, और सबसे बड़ा जो नंबर है वो नाइन है, तो आपको ज़ीरो से लेकर नाइन तक सारे के सारे नंबर्स लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको टेलीमार्किंग करना है, वन को कैंसिल करना है, वन पे यहाँ पे टेलीमार्क करना है, फोर को कैंसिल करना है, फोर पे टेलीमार्क करना है, फिर वन से वन पे कैंसिल करना है, वन को टेलीमार्क करना है, फाइव को कैंसिल किया, फाइव पे टेलीमार्क आ गया, नाइन को कैंसिल किया, नाइन पे टेलीमार्क आ गया, इसी तरह आपको लगातार फटाफट सारे के सारे करना है। और आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ पे फिफ्थ आएगा वहाँ पे आपको क्रॉस करना है। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ कहाँ पे आने वाला है, फिर चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे आया फिफ्थ, मतलब जब आप थ्री को कैंसिल करोगे ये वाले थ्री को, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे फिफ्थ टाइम इस तरीके से आएगा, और फिर आगे इसी तरह सब पे करना, जहाँ पे फिफ्थ आएगा आपको फिफ्थ उसी तरह करना है। ये टेलीमार्क आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बोर ना हो इसके लिए। तो देखिए इस तरीके से जब आपका पूरा टेलीमार्क कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में अगर हम आ जाते हैं, सपोज करिए लास्ट अब सपोज ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो कैंसिल किया और यहाँ पे ज़ीरो पे कर लिया, तो अब हमारा टेलीमार्किंग जो कैंसिलेशन था वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पे टोटल करना है, तो यहाँ पे टू आ जा रहा है, यहाँ पे फाइव हो रहा है, यहाँ पे फाइव हो रहा है, यहाँ पे एट हो जा रहा है, यहाँ पे फोर है तो फोर आएगा, यहाँ पे फिर से फाइव है, फिर यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फाइव है, और यहाँ पे फाइव प्लस थ्री एट है। देखिए इस तरीके से टेलीमार्क करने से फ़ायदा क्या होता है कि काउंटिंग में बहुत ईजी होता है। अगर टेलीमार्क को कंटिन्यूसली इसी तरह करते थे तो वो बहुत प्रॉब्लम भी होता था। तो चलिए यहाँ पे एट लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे इसका टोटल करना है। तो टोटल क्या होएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल आपको पता है कि एन रहेगा पहले, थोड़ा कैंसिल कट हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसके लिए आप थोड़ा मैनेज करिए, मैं आगे याद रखता हूँ। फिर इसको टोटल करेंगे, समिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और उसका जो टोटल है यहाँ पे मिल रहा है 50, और यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का डेटा भी दिया हुआ था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने ड्रॉ किया उसके लिए डेटा कैसा भी होने दीजिए, कोई भी ऑर्डर होने दीजिए, हमको टेबल बनाने के बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो ईजिली आ जाएंगे। चलिए ये वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप होने वाले हैं, आगे की वीडियो में हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।